सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नृत्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अस्तुतर सत्य श्रीमद्भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं सन्यासी विक्रम शिक्षा गुरु नृत्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अस्तुतर सत्य श्रीमद्भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत गौरव साक्षण धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद परम स्नेशला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाजथ प्रणाम स्वीकार है। बहुत सुंदर विषय वस्तु हम श्रवण कर रहे हैं। देव दुर्लभ वस्तु वास्तव रायमंडल संवाद के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में इस विषय को जो है और संक्षेप रूप में भी बताया। ये महाप्रभु वास्तव रायरबंद के मुखारविंद से उस भावों के प्रकट करना चाहते। अभी हमने आप लोग श्रवण किया ये राय मुखे राज रमंद के मुखारविंद से द्वारा ही ये समस्त रस तत्व की जो उन्होंने वास्तव रूप में प्रकट कराया। क्योंकि कृष्ण रसो रसो वैसे जेवा लब्धा नंदिर भवती कृष्ण स्वयं ही रस समुद्र रस स्वरूप ही है। सभी तत्व उनके जानते हैं तथापि रायरंद के द्वारा ये समस्त बुद्ध तत्व जो है अत्यंत गोपनीय तत्व जो है ये प्रकट कराया। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये महाप्रभु जो श्रद्ध और साधन के बारे में प्रश्न यह से शुरू हो गए कथा। प्रभु कहे परश्लोक श्राद्धिर निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति। तो राय रमानंद शास्त्र सिद्धांत भी के अनुसार प्रमाण भी दे रहे ये वास्तव रूप में एक व्यक्ति पारमार्थिक जीवन में कब प्रवेश करता है इसलिए उसके लिए कह रहे हैं वर्णाश्रम आचरागवता पुरुषेन परोपमान विष्णु आराधते पंता नान तत्व स्व कारण। क्योंकि जब तक एक साधक वर्णाश्रम धर्म के नहीं पालन करे वास्तव रूप में वो पारमार्थिक रूप में पारमार्थिक राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी श्री कृष्ण चैतन्यमृत चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में कह रहे हैं स्पष्टीकरण किया जो देश जितने परिमाण वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हैं पारमार्थिक राज्य में वो उतना ही प्रवेश कर सकता है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म यदि हम पालन नहीं करें वास्तव रूप में हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। पशु आदि में देखो वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं लिखा गया है। पशु आदमी के विवाह है क्या ना वर्णाश्रम धर्म पालन आदि करते हैं। हम मनुष्य हैं मनुष्य होने के नाते ये समस्त हमें प्रयोजनता वर्णाश्रम धर्म का हम पालन करके चले और धीरे 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 आगे हम गंभीर इसमें प्रवेश करें। इसलिए देखो ये श्लोक में वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेन परोपमा विष्णु आराधते पंथा नान तत्व कारण। भगवान विष्णु प्रसन्न किसमें हो जाता है ना भगवान ने जो नियम बनाया देखो कोई नियम बनाया उस नियम के यदि हम पालन नहीं करें वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा। एक सच बता देता हूं यह पर नियम बना दिया हमें किस बजे आना है स्टेज में 6 बजे मैं आया 9 बजे तो जो नियम बनाया वो क्या हमारे पर प्रसन्न होंगे आप बताइए।
नहीं प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होते हैं जो नियम बनाया उस नियम का हमको लेकर के चलना पड़ा, नियम का हमको पालन करना पड़ेगा। अच्छा नियम किसने बनाया, किसने? स्वयं भगवान ने नियम बनाया। हर देश के नियम जैसे उस देश के गवर्नमेंट नियम बना, जिससे जैसे देखो विदेश में जाते उस देश के नियम क्या है, दाएं तरफ देख करके गाड़ी चलाते हैं, राइट हैंड साइड गाड़ी चलाते हैं। और हम कहते नहीं, हम तो इंडिया से आए हैं, हम कौन सा गाड़ी चलाएंगे, कैसे गाड़ी चलाएंगे, बाएं तरफ। तो नियम उल्लंघन हो जाएंगे, इसलिए नियम को हमें पालन करना पड़ता है। इसलिए जो कुछ भी नियम जो है शास्त्रीय सिद्धांत जो है, भगवान ने नियम पालन पा दिए। ये सारे नियम किसके लिए, सब मनुष्य के लिए। पशु के लिए क्या नियम है बता, पशु तो जैसे चार रूप में चलते रहते, जैसे चार समझते अपने मनमानी ढंग से चलते रहते, किंतु हम मनुष्य होने के नाते हमें नियम पालन करना पड़ता है, जिससे मनु संहिता स्वयं मनु ब्रह्मा जी के जो पुत्र मनु और शत्रुपा है, स्वयं मनु ने एक भी ग्रंथ लिखा जिससे मानव जाति कैसे धीरे धीरे उन्नत रास्ते में जा सकते हैं, उठ सकते हैं। उसने उन्होंने ग्रंथ की लिखा, ग्रंथ के नाम क्या है, मनु संहिता। संहिता नियम है, नियम कानून। हम उसके नहीं पालन करते भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम आश्रम, वर्ण आश्रम चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग। भगवान ने कहा गीता में पुष्टिकरण करें, मैं चार वर्ण जो चार वर्ण आश्रम जी में सृष्टि के उनकी गुण और कर्म के अनुसार होगा और उसके अनुसार वो पालन करते चल। इसमें मतलब विस्तृत विवरण दे दिया, समय संक्षेप है, सब लोग बहुत समय तक बैठे हुए हैं, हम शायद अब उनके कष्ट भी हो रहे हैं, कि तथापि दो शब्द करके मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत वक्त ने बहुत शब्द सुनकर बोला। इसलिए शास्त्र में कहता है विधि मार्ग, विधि मार्ग रत जनी साधीनता रत्न धनी राग मार्गे परम प्रवेश। भक्ति में स्पष्टीकरण कर, कोई विधि मार्ग के नहीं चल ले करके अपने मनमनी इच्छा से कहिए मैं रागानुग का साधक हूँ, मैं रागात्मिक जन हूँ, ऐसे कह प्रचार करे अपने जिन्हें मनमनी ढंग से चले, उसके भक्ति का क्या हो जाता है, उत्पाद भी केवलम श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि बिना ओकांतिक हरिण भक्ति उत्पाद भी केवल स्पष्टीकरण कर। इसलिए देखो ये पर वर्णाश्रम धर्म आदि पढ़ते धीरे धीरे चल रहे, किंतु हम यहाँ पर हम तो सुन रहे श्रवण भी कर रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं ये वाच्य आगे पढ़ो। किसने कहा बहिर की वस्तु, किसने कहा एक्सटर्नल, किसने कहा? महापुरुष जो सुनना चाहते हैं जी, जीवों के स्वरूपानुबंधी की वृत्ति क्या है, ये महाप्रभु ये वास्तु में कथा को सुनना चाहते हैं। देखो आप नहीं करें अनुभाष में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ये शब्द को यह कोट किया, क्या किया, जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है, अर्थात जीव गठन के समय उस समय जिनके स्वरूपगत वृत्ति क्या है वो महापुरुष सुनना चाहते। ये पर एक रहस्य की बात है, जीव गठन के समय कोई दास्य रस्तु को उसे पोटेंशियल है। बहुत पंडित लोग बहुत प्रकार जो है तर्क वितर्क आदि करते रहते हैं, किंतु श्री गुरुदेव यही रामानंद संवाद प्रसंग में इसी कथा को जो है उठाते थे, वास्तव जीव गठन के समय है वो भक्ति ठाकुर कह रहे स्पष्टीकरण कर रहे जीव धर्म है, आपके पास में स्वरूप है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्य कबूल नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते और उदय। नित्य सिद्ध वस्तु आपके पास है, जीव के स्वरूपानंद वृत्ति जो है वो आपके पास है, कोई साक्षर होगा उसके, उसी प्रकार श्रवण आदि करते करते उस कथा में उसके लोभ उत्पन्न होगा और उसी में वो तन्मय होगा और वो भाव उसमें प्रकटित होगा। साधु संग, साधु के संग के द्वारा क्या होता है, अनर्थ निवृत्त करा करके उसके आगे ले जाते हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से तर्क युक्ति आदि करते हैं, जैसे रंग ऐसे संग, बल ऐसे नहीं,
वो श्लोक भी शास्त्र से कोट कर देते हैं, किंतु वास्तवता क्या है? ये जीव गठन के समय जैसे आपके है, देखो नारद ऋषि कितने भक्त के संग दिए, ध्रुव की संग दिया, मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ध्रुव के गोपी भाग हो गए कि ना? आप लोगों ने श्रवण किया कभी ध्रुव के गोपी भाग? वो भी मातृ गर्भ में प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं, उसी बालक के कह रहे हैं, जब मैं मातृ गर्भ में था तब मेरे गुरु जो है नारद जैसे गुरु, नारद कोई साधारण गुरु नहीं है, नारद की परिचय यदि हम देखें उसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वास्तव जो ओरिजिन नारद जो है वो माधुर्य रस के गोपी, उनकी माधुर्य गोपी नारद या गोपी के रूप में उसके वर्णन हो रहा है, और ऐसे नारद या गोपी मानो और प्रहलाद महाराज की तसंग दिया, मातृ गर्भ में प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं मैं मातृ गर्भ में जब था तब देखो नारद ऋषि मेरे मां की गर्भ के लक्ष्य करके ये सब कथा सुनाए आने को। और क्या प्रहलाद महाराज कौन से कैटेगरी के भक्त है आप बताइए? सनातन गोस्वामी पाद भक्त के कैटेगरी वर्णन करते हैं, वेद भागवत मंत्र वर्णन करें पांच प्रकार के भक्त के कैटेगरी वर्णन करते हैं, एक है ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, प्रेमिक भक्त हनुमान, प्रेम पर भक्त पांडव लोग, और प्रेमातुर भक्त उद्धव, और समस्त भक्त के मुकुटमणि शिरोमणि चूड़ामणि है ये समस्त ब्रजवासी, और ब्रजवासी के सर्वोत्तम जो है राधा जी की प्रेम का है, जिससे आगे यही रायमंड संवाद में वर्णाश्रम धर्म आदि के लिए आलोचना करते हुए धीरे धीरे राधा प्रेम सात शिरोमणि इसको भी वर्णन किया, और यही देखो यही कथा का वर्णन करते करते कदे साध्य वस्तु में सुन लिया राधा प्रेम साध्य शिरो, जिस प्रेम की हम कथा सुनना चाहते, किंतु साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं हो, कृपा करी कह से जे साधन साध्य रोग नहीं, अच्छा साधन हम उसकी वस्तु की कैसे प्राप्ति करें, जिस गोपी प्रेम के लिए हम तड़प रहे हैं उस गोपी प्रेम प्राप्ति कैसे हो, तो उसमें फिर भी कह रहे हैं कितने सुंदर आदि रायण कितने वर्णन सुंदर करके बोलते जा रहे हैं, समय संक्षेप होने के और वक्ता लोग भी तो बहुत एक एक सम्मान करके बताए, समय संक्षेप होने के रहते सभी पर मैं नहीं बोला, सुखी अनुगत्य बिना सुखियों के जब अनुगत्य स्वीकार नहीं करे अर्थात नित्य सिद्ध ब्रजवासी जो है और उनके जब अनुगत्य हम स्वीकार नहीं करेंगे वो प्रेम प्राप्ति नहीं है, ये प्रेम प्राप्ति के यही जो है विशेष करके जो है ये साधन बताया, इस प्रेम के साधन जब तक हम उसको नहीं करते जा रहे वो प्रकाशित नहीं होगा, पोटेंशियल रहने पर भी कहते हमारे पास यदि पोटेंशियल है तो हम मिल जाएंगे, पर ऐसे भी बात नहीं है, जब तक ऐसे उन्नत रसिक भक्त के संग नहीं हो वो भी प्रकाशित भी नहीं हो रहा, पोटेंशियल तो आपके पास है किंतु पोटेंशियल होने पर भी उसी प्रकार उन्नत कोटि के रसिक भक्त के संग आदि करना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति रसभावित मति क्रियताम यदि कुतो भी लभते तत्रापि लोलमूलम जन्म कोटि सुकृत लभते, ऐसे ऐसे भावों के जो वर्णन करते जा रहे हैं हम उसी प्रकार रसिक भक्त के संग करें तब वो जो हमारे हृदय में जो पोटेंशियल है वो प्रकाशित हो, इसके और एक उदाहरण दे रहे हैं जैसे जैसे पूर्ववर्ती भक्त हमारे बोधन महाराज जी बोल रहे हैं, ये देखो एक ही सत्तिक नक्षत्र के जो जल जो है अलग अलग स्थान पर पड़ता है वो अलग अलग वस्तु क्रिया प्रकाश होता है, क्या बोले सीप में पड़े वही एक ही सत्तिक नक्षत्र के जल सीप में पड़े वो क्या बनता है मुक्ता बन जाता है देखो, और एक ही सत्तिक नक्षत्र के जल सांपों के सिर पर पड़े वो सर्पमणि बन रहा है, एक ही सत्तिक नक्षत्र के जल हाथी के सिर पर पड़े वो क्या बनता है गजमुक्ता बन, क्योंकि आधार भी निर्णय कर रहे हैं, उसी प्रकार ये समस्त बहुत तत्व सिद्धांत आदि ये समस्त दे रहे हैं,
इसलिए हम इस कथा को जो वर्णन करते जा रहे हैं, ये राय रामानंद के साथ जो महाप्रभु जो वार्तालाप कर रहे हैं, महाप्रभु के श्रवण कर रहे हैं और गदगद हो रहे भावों की जो उन्नत स्थिति को, जैसे आगे जाकर भी बताए है, जैसे आप ये प्रभु जी बता रहे हैं ना, हमारे संजय प्रभु जी बहुत बहुत बड़ी बात बताए है, अच्छा कीमती शब्द बताया। ये वास्तव जो जो बता रहे हैं, महाप्रभु जब रामानंद के स्वरूप दर्शन कराए और किसी के स्वरूप दर्शन, रसराज महाभाव स्वरूप है, ये रसराज कृष्ण स्वयं रसराज है, जिससे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्ण अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम और रुचिरुद्ध तारका पल पलित श्यामा ललित राधा प्रेमो राधा प्रयाणो विदुर जयति भक्ति रसामृत और सिंधु ग्रंथ में प्रीफेस में इसके रूप गोस्वामी पाद वर्णन करें। देखो कृष्ण रस स्वरूप ही है, किंतु वो रस माधुर्य के आस्वादन जो कर रहे किससे, रायमंद से श्रवण करके और फिर अंत में और भी क्या बता रहे हैं, जो रायमंद क्या है, कृष्ण तो रस स्वरूप कहा गया है, रसराज, और श्रीमती राधिका क्या बताया गया, महाभाव स्वरूप है, ये महाभाव। इसलिए रायमंद संवाद में ये सब तत्व करके एक एक करके विचार करके देखा, कृष्ण तत्व है क्या चीज, कृष्ण के सर्वोत्तम जो स्वरूप जो है वो भी वर्णन कर दिया और राधा जी की जिस स्वरूप के विषय पर वर्णन कर दिया है, राधिनी शक्ति सर्वणी श्रीमती राधिका, और वही रसराज और महाभाव स्वरूप दोनों एक साथ में मिलित तो होकर के गौरांग रूप में प्रकट हुए, जिस भावों के जो है बा जिस स्वरूप के चैतन्य महाप्रभु रायमंद के दर्शन कर, जैसे हम अभी श्रवण कर रहे थे, बहुत सुंदर ही बात है। वास्तव रायमंद संवाद के यही जो है सर्वोत्तम वस्तु है, हम श्रवण कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा कदा, किंतु यहाँ पर कर रहे हैं जी देखे देखी रायरामंद होइलो मूर्छित, हम प्रसंग में इसलिए राम जो बोलना चाहते हैं, रायरामानंद कौन है, ये विशाखा देवी है, तो विशाखा देवी राधा जी की सेवा आदि किए, अष्ट सुखी में ललिता विशाखा आदि जो विशाखा देवी तो राधा जी के अत्यंत अंतरंग है, जैसे अभी श्रवण के रामन महाराज जी बोल रहे हैं, ये राधा जी के एक नाम, एक विशाखा जी के एक नाम क्या है, अनुराधा है, और विशाखा देवी राधा जी के अत्यंत जो है घनिष्ठ है, ललिता देवी राधा जी से थोड़ा बड़ी है, 27 दिन के बड़ी है, और ललिता देवी के बारे में भी कहा गया वो भी मुखरा क्या प्रखरा है, वेरी टकटी है, यह तक भी कृष्ण ललिता जी के पास आने में कभी कभी डरती है, ये समस्त भी वर्णन है, जिससे हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ललिता ललिता अष्टक में भी वर्णन कर दिया, दुर्ते वजेंद्र तनया तनुसुष्ट बाम मां दक्षिणा भव अलंकिनी लाघव आए, उंगली उठा करके ललिता देवी राधा जी की शिक्षयंती शिक्षा दे रही है। देखो यहाँ पर कितने सुंदर बात बता रहे हैं, यहाँ पर ललिता देवी के बारे में तो अनेकों बात बता रहे हैं, और देखो विशाखा देवी के बारे में क्या बताया गया, ये विशाखा देवी जो राधा जी के एक ही भाव, गुरुदेव कहते थे भक्त रूप में ललिता देवी विशाखा और राधा जी के जो है नक्षत्र जो है एक ही समय जन्म, और इनके भाव जो है राधा जी की भाव और विशाखा की भाव एक ही कहा गया है, ये समस्त विचार उसमें है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये देखो मधुर रस की कथा भावों की उद्गार कब होता है, जब सजातीय हो, विजातीय से होने से नहीं होता है, वहीं पर भाव को वो क्या कर लेते हैं, अपने को छुपा लेते हैं, किंतु देखो यहीं पर राधा जी की भाव को जानने वाले कौन है, विशाखा देवी, और विशाखा देवी तो सेवा आदि की है राधा जी की अंतरंग है, जैसे श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में श्री कृष्ण भावनामृत विश्वनाथ चक्रवर्ती बात
वह पर एक सुंदर भी लीला भी वर्णन किया है। वो वर्णन करते हुए लीला वर्णन करते हुए कह रहे हैं जब तक विशाखा के आश्रय नहीं करे विशाखा है। वो लीला तो बहुत सुंदर है। एक बार कृष्ण अकेला बैठे थे और इतने समय मधुमंगल आए, तो उस समय कृष्ण मधुमंगल के लिए मधुमंगल तुम इतने समय तक कहां थे, तो मधुमंगल कहने लगे देखो आज मैं भागुरी के पास गए थे कुछ मंत्र शिक्षा भी करने के लिए। बोले क्या मंत्र सीख करके आया बताओ। तो उस समय मधुमंगल कहने लगे देखो किसी के मुख देख करके मैं बता सकता हूँ क्या चिंतन कर रहे हैं। आसमान उसको केवल देखने से मुझे पता लग जाता है। तो कृष्ण कहने अच्छा बताओ मैं क्या चिंतन क्या करूं। तो मधुमंगल जस्ट के आंख बंद किया आज करके कुछ मंत्र जपने लगे और कहने लगे देखे ये बहुत गोपनीय तत्व है मैं बताता हूँ सुनो। मधुमंगल कहने देखो मैंने देखा एक विशाल सरोवर है कुंड, उस कुंड में इतने सुंदर है उसमें जो है अनेक हंसिनी है, उसमें देखो विशेषकर एक विशाल बड़ा जो है राजहंसिनी है और देखते देखते एक कृष्ण क्या बोले कृष्ण कृष्ण वर्ण के हंस आ गए। देखो कृष्ण इतने सुनते ही भाव में विभोर हो गए और मधुमंगल कहने लगे देखो वो हंस जो है राजहंस कृष्ण वर्ण राजहंस काले राजहंस क्या करने लगे वो सबसे श्रेष्ठ सफेद जो हंस जो है राजहंसिनी के पीछे पीछे दौड़े। किंतु वो राजहंसिनी इतने प्रभावशाली है कभी डूब जाती है कभी ऊपर आ जाती है और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो इस कथा सुन करके कृष्ण और अपने भाव को गोपन कर नहीं पाए। कृष्ण कहने लगे हे मधुमंगल तुम बताओ वो भी वो हंस अर्थात कृष्ण हंस कृष्ण वर्ण हंस है को भी वो सफेद राजहंसी को भी पकड़ पाएंगे। तो मधुमंगल फिर आंख बंद करके से मंत्र आदि जप करने लगे। मंत्र जप करके बोले हाँ उसके देखो पकड़ने के लिए एक ही उपाय है क्या है एक वृक्ष के शाखा पे यदि वो है आश्रय करे। वो शाखा क्या है बी शाखा जो जब तक इसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पास उसी ग्रंथ में लिख रहे हैं जब तक विशाखा के आश्रय नहीं करे कृष्ण राहि के जो है प्राप्ति नहीं कर सकते मिल नहीं सकते है। ये समझते बहुत सुंदर सुंदर जो है लीला आदि उसमें वर्णन किया गया। हम इसी प्रकार जी कह रहे हैं इसलिए देखो विशाखा देवी है और राधा जी के भाव की जानते हैं विशाखा देवी ये समस्त नायिका क्या है सब स्वतंत्र नायिका कहा जाता है, कभी कभी ये समस्त सखियां जो है राधा जी के अवर्तमान में जब तक राधा जी नहीं रहते कभी कभी ये सखियां कृष्ण के साथ एकांत में मिलते हैं जिसके कहा जाता है सखियों के प्रकरण में वर्णन किया गया। देखो एक होता है क्या संभोगात्मिका और एक होता है कामात्मिका। ये कामात्मिका के भी दो प्रकार के विभाजन करके दिखा एक है संभोग इच्छामयी और एक है तत्त्व भविष्य। ये संभोग इच्छामयी गोपियों में जो लिया गया ये समस्त अष्टसख्य के लिए लिया गया है ललिता आदि ये समस्त जो है संभोग इच्छामयी और तत्त्व भाग इच्छा आदि में समस्त मंजरियों के लिए। तो यहाँ पर प्रमाण हो रहे हैं ये समस्त सखियां जो है अर्थात सपक्ष राधा जी के ये समस्त सखियां जो है ये लोग तो कृष्ण के साथ कभी कभी स्वतंत्र रूप में मिलते हैं। तो कृष्ण के बारे में ये लोग भी जानते हैं और राधा जी के बारे में जानते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं देखो आप वो ग्रंथ पढ़ो कहा गौरगोविंद गोस्वामी के गौरगोविंद गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ो ये राय रामानंद महाप्रभु के ये जो रसराज महाबाप स्वरूप देख करके मूर्छित क्यों हो गए होने के कारण क्या है। हम जिस वस्तु के कभी नहीं देखा जिस वस्तु के कभी नहीं जानते हैं उस वस्तु के देख करके हमें कभी आश्चर्य होता है आश्चर्य हो जाता है
अभूतपूर्व जैसे में कभी देखा ही नहीं, अथवा अनेक कारण से मूर्छित हो गया। तो रायरबंध मूर्छित होने के कारण क्या, रायरबंध साक्षात बता रही है ये विशाखा देवी है और राधा जी के बारे में जानते हैं, रस स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, महाभाव स्वरूपिणी राधिका, राधा के बारे में तो सब कुछ जानते हैं और कृष्ण के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। तो ये मूर्छित होने के कारण क्या है, यह पर उन्होंने सुंदर उदाहरण के साथ बताया। समय हो गया, मैं तो बोलना चाहता हूं ये राजम मूर्छित क्यों हो गया, कारण क्या है, जैसे अभी बता रहे महापुरुष हाथ फेरा दी आलिंगन करके बोल दो, अच्छा चल, किंतु मूर्छित होने के कारण क्या है, भाई तो कारण तो होगा नहीं, उनके क्या हो गए, किसी किसी के कोई कोई रोग हो जाता है ना, क्या रोग होता है, मृगी रोग है क्या, राजमंदिर के मृगी रोग था क्या वो मूर्छित हो गया है राजमंदिर के मृग। देखो एक मूर्छित होने के जो है दो कारण बता रहे, जो राजमंद यानी विशाखा देवी जो वस्तु के नहीं देखा, आज वो आश्चर्य रूप में देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं जैसे कृष्ण ये जो प्रेम कहां पर विराजमान है, ये राधा जी के हृदय पूर्वक में जो प्रेम जो है, और स्वयं कृष्ण वो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी है? पढ़ो उसके ग्रंथ को तो आपके पता लेंगे। वो देखा क्या, देखो जैसे एक कमल प्रस्फुटित होता है, अच्छा कमल के पंखुड़िया कैसे प्रकाशित होते हैं, खुद कैसे खिल जाते हैं, सूर्य उदेती पद्म प्रकाश होते, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ कमल के जो एक एक पंखुड़िया खिल जाते हैं, किंतु वास्तव रूप में देखा जाए वो सूर्य के किरण पर चंद्रमा के किरण जो है, और एक एक पंखुड़ी के भेद करके धीरे 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 अंदर में चले जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण जो राधा जी के हृदय कंदरा में जो ऐसे जो सर्वोत्तम जो प्रेम विराजमान है, उस प्रेम को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण कैसे प्रवेश आदि कर रहे, उसके दूसरे उदाहरण दे रहे हैं। देखो जिस प्रकार भ्रमण भौरे और क्या करते हैं, कमल के अंदर में चले जाते हैं, और कमल के अंदर में जाकर के कमल के जो है सारे पान कर लेते हैं, और कमल के जो जितने वो होता है क्या बोले, पराग जो होता है, और उसके पराग क्या हो गया, उनके सारे अंगों में लग जाता है। कभी कभी आप देखना भ्रमर जब चल जाता है, जब बाहर आ जाता है तो भ्रमर कैसे होता है, कृष्ण वर्ण बाहर आ जाता है तब और उनके कालीपन देखने पूर्ण जो है वो, और आप जानी कितने सुंदर होते ऐसे रूप के देख करके कहते रायमंड ऐसे स्वरूप को नहीं दर्द पाउल के कही लो आओ और क्या बोलते हैं बाउल के बाउल, ये कोई बात है क्या है, तो कभी है बोले आ जाओ एक महापुरुष के बारे में सुंदर बात सुनाएंगे, बोले पहले सुंदर के सर्वदान के सुनाओ और ये जगन्नाथ जी के बारे में कुछ सुंदर कविता लिख करके स्वरूप दामोदर के निकट जब बोलने लगे, स्वरूप दामोदर कह रहे मूर्ख अपना कोई सर्वनाश है, उस श्लोक में जो आ रहे हैं ये जगन्नाथ जी के क्या बताया शरीर बताया और महाप्रभु के क्या बताया शरीर है, कि देखो जीव में बद्ध जीव में दो वस्तु होता है, एक शरीर होता है और एक शरीर होता है, किंतु भगवान में क्या है, देह देही भेदानस्ति, भगवान में देह देही कोई भेद नहीं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ है और चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण, यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के अलग करके समझे अपराध हो जाता है, जिसके आगे की कथा तो बहुत सुंदर है, किंतु वो कवि ने क्या किया कविता रचना किया जो महत्व जगन्नाथ जी के क्या बताया शरीर बताया जीव तत्व बता दिया है, प्राकृत शरीर
और महाप्रभु के क्या कह दिया? शूद्र जीव का ये अपराध हो जाता है। इस सूक्ष्म विचार जी दिखा रहे हैं, किंतु देखो राजमंत्र के साथ महाप्रभु ऐसे क्यों, ऐसे स्वरूप ऐसे दर्शन हम इसलिए करें ये स्वरूप दामोदर के दर्शन नहीं करा करके ये राजमंत्र की को दर्शन कराया। और उसमें भी कह रहे हैं जब मैं एक बातुल तुम एक बातुल दो पागल 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 में मिल जाए है। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं बाउल बाउल बोलते सभी अच्छे बाउल पाई जाना बाउल मने जो अपने को क्या परिचय देते हैं पागल प्रेम की पागल कहते हैं। किंतु प्रेम की पागल कौन समझेगा? जो जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ वो ना समझ पाना है प्रेम की प्रेमिक जंतु है। ये महाप्रभु इसी प्रकार एक एक भक्त के द्वारा एक एक रस तत्व एक एक भाव को यह प्रकाश करें। हम नहीं नहीं करें जिस स्वरूप दामोदर कम थे और रायमंद बड़े थे, ये हमारे विचार्य विषय नहीं है। विचार्य विषय है स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है एक एक भक्त के द्वारा एक एक भाव माधुर्य के जगत में प्रकाश कराया है। ये समस्त बहुत सुंदर जो है ये समस्त भाव के विचार कराया है। यदि रायमंद के संबंध जगत में प्रकट नहीं होते है तो प्रेम के सर्वोत्तम सीमा हम कहाँ जान पाते। जो चैतन्य महाप्रभु है ऐसे भावों की जो सर्वोत्तम सीमा जो प्रकाश अधिकार है जिससे हमारे नरहरि सरकार भी लिख रहे हैं यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई तो केमने धरी तामने राधा रो महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि चैतन्य महाप्रभु उतना कलिजुग में प्रकट नहीं होते तो प्रेम के सर्वोत्तम सीमा कहां पर हो सकता है? इस जगत में कौन प्रचार करते है? देखो विद्यापति चंडीदास आदि केवल सुखी भाव तक प्रकट कर दिया है, किंतु उसके आगे की भाव क्या है? सखियों के जो पांच प्रकार सखियों के जो कहा गया सखी है नित्य सखी प्राण सखी पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। प्राण पृष्ठ सखी जो ललिता विसखी अश्व सखी के नाम आ रहे हैं अश्व सखी में आ जाता है। किंतु महाप्रभु उसके आगे जो है सखी नित्य सखी प्राण सखी नित्य सखी और प्राण सखी के भावों की जो है वो प्रकट करा करके और रूप गोस्वामी पाद के हृदय में प्रकट करा दिया और रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में ये समस्त जो है भावों के प्रकट किया जिससे जो है भक्ति रसामृत सिंधु से और विशेष करके उज्जल मणि आदि ग्रंथ में ये समस्त भावों के प्रकट कर दिया। और इसके आगे आकर के वही भावों के जो है और भी उज्जवलित करके हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जिस विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के कहा जाता है ये मानो रूप गोस्वामी पाद की क्या बोले स्वरूप ही माना जाता है, है? और अपने अपने ग्रंथ में विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और यही जो है भावों के कितने सुंदर रूप में प्रकट किया सखियों के जो भावों के प्रकाश नापी चलिए आप बताओ जो ये समझते जो हमारे गोस्वामी वर्ग के जो ग्रंथ जो एक एक करके कहाँ कहाँ उन्नत स्तर में लेकर के यही चैतन्य महापुरुष जगत जीव को देने के लिए आए हैं। जिस रूप से हमारे रूप गोस्वामी पाद एक सूत्र के द्वारा ही बोल दिया अनर्पित चरित चिरा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संस्भक्ति स्वयं परिपूर्ण सुंदर पदम सुंदीर सदा हृदय कमरे प्रदुभा सचिव। यही जो है प्रेम की जो है एक छीटे फोटा जो है वो हमें प्राप्ति हो है। मैं किसी सुन के कभी कभी कहते हैं यदि नारायण नहीं हुई तो तबे की हुई तो क्या मने यदि हमारे श्री गुरुपाद पद्म श्री नारायण को सिंह जगत में प्रकट नहीं होते ये सब भावों के कौन प्रकट करते है? ये भावों की कौन जानते? गुरुदेव ने जो ग्रंथ आदि प्रकाश किया जैसे जैसे गुरु भक्ति भक्ता ने भी करे गुरुदेव जितने भी कथा बोलते थे सब कथा में घुमा फिरा करके कहीं नहीं कहीं ब्रज विशेष करके गोपियों की भावों की प्रकट करते थे। इसलिए गुरुदेव के चरण में मैं बार बार नमन करता हूँ इस भाव का हमारे हृदय में किसी न किसी जन्म में जाकर के प्रकटित हो मंशा भावने को वही। कल के लिए ये जो प्रोटोकॉल और ये जो